कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी आज है संडे और संडे इज़ अ फंडे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अफ्तियारी। में आज मैंने वैसे खाने में ज़्यादा मतलब अफ्तियारी, एक मिनट पहले आपको आवाज़ नहीं आती ना, मेरी एग्जॉस्ट बंद कर दो। तो आज मैं अफ्तियारी में बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। ये अफ्तियारी है नहीं, खाने में बन रहा है कढ़ी चावल और कीमा। और कढ़ी ऑलमोस्ट मेरी बन चुकी है, डन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर पकौड़े डालूंगी, ऐड कर दूंगी। और अफ्तियारी में आज आलू प्याज के पकौड़े बनेंगे, मैंगो शेक बनेगा, फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स में तरबूज हैगा और बनाना हैंगे और क्या बस, और चिप्स वगैरह तल लेंगे। यही होगी आज की हमारी अफ्तियारी। तो आज का व्लॉग जो है, पहले मैंने आपको सहरी का व्लॉग दिया था, आज मैं आपको दे रही हूँ अपना अफ्तार का व्लॉग। तो ठीक है, अफ्तार में जो जो करेंगे वो दे देंगे, आपको बता देंगे। और ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अभी तो मेरे को आप लोग हंसते हुए देख रहे हो, बट मेरी सहरी बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने सहरी के बाद, पता है, सहरी करने के बाद मैंने तहज्जुद पढ़ा, तहज्जुद की नमाज में मेरी अभी बहुत डाउन हो गया था और उसकी वजह से फिर मुझे बहुत चक्कर आने लगे और मैं फजर पढ़ के मैं सो गई थी। और मैंने नियत नहीं करा था क्योंकि मुझे लग रहा था मैं रोज़ा नहीं कर पाऊँगी। तो फिर जब मैं मॉर्निंग में उठी तो तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। मेरा बीपी और शुगर जो है ना वो बहुत लो जा रहा था, तो मुझे पता था। फिर डॉक्टर के से कंसल्ट कर तो उन्होंने चेक करा मैंने शुगर, तो मेरा जो शुगर लेवल बहुत कम हो गया था, तो जिसकी वजह से फिर मैं ग्लूकोन डी बना बना के पी रही थी। फिर मेडिसिन खाई और डॉक्टर से बोला तो उन्होंने कहा आप लोग रोज़े रखते क्यों हो, शुगर पेशेंट रोज़ा क्यों रखता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और वो भी कोरोना टाइम में जिसमें कि हम अभी कुछ कर ही नहीं सकते आप लोगों के लिए, बट ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। अभी हम डॉक्टर से क्या बोलूँ, मैं उनसे बोलती हूँ कि अंकल भाई जो है वो है, अब हमारे यहाँ है, इस चीज़ को करते हैं, कहते हैं कि आखिरी सांस तक भी रोज़ा रखना चाहिए, तो फिर मैं कैसे उस चीज़ को फॉलो ना करूँ। तो बस आप दवाई दे दीजिए। आज का मैं रोज़ा स्किप कर रही हूँ, संडे वाले दिन मैंने रोज़ा नहीं रखा है, एक दिन छोड़ के एक दिन रखती हूँ, जैसे बॉडी के अंदर जान आ जाती है, जैसे हिम्मत होती है तो बस। और फिर मैंने ये भी पढ़ा था जो बीमार हैं उनके लिए रोज़ा नहीं आता है, जैसे वे हैं तो हम लोग हैं शुगर पेशेंट, हमारे लिए रोज़ा नहीं है, बट फिर भी जिस तरीके से मैं कर सकती हूँ करूँगी, जितना मैं कर सकती हूँ करूँगी। और बस अल्लाह पाक हिम्मत देगा, आज का तो छूटा है मुझे पता है, बट मेरी तबीयत भी इस तरीके से नहीं थी। मैंने कोई शौक में नहीं छोड़ा है, मैंने बहुत मजबूरी में छोड़ा क्योंकि रोज़े का जो मोहब्बत है ना मेरे लिए, शायद वो कोई, मैं पिछले साल में रोई भी थी जब मेरा रोज़ा छूटा था, तो मैं बहुत रोई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी कि हाय मेरा रोज़ा छूट गया, हाय मेरा रोज़ा छूट गया। तो पता है क्या, मैं रोती हूँ ना तो असल जी मुझसे ज़्यादा परेशान होते हैं, तो फिर बुलबुल मुझे समझाती है कि ना खुद परेशान हो ना उनको परेशान करो। मैं बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हूँ, तो फिर हिम्मत लेनी पड़ती है क्योंकि दो बच्चों की माँ हूँ। और असल जी जो है ना कोरोना टाइम चल रहा है, वो मुझे हॉस्पिटल वगैरह से भी दूर रखते हैं कि नहीं अभी कहीं ना जाओ आओ, तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि नहीं मेरा एक रोज़ा कहीं सबको परेशान ना कर दे, तो मैं छोड़ छोड़ के रखूँगी, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा अल्लाह ताला। और वैसे भी बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं कैसे मुसलमान हो, कैसे मुसलमान हो, अजी हम मुसलमान वैसे ही हैं जैसे सारे मुसलमान होते हैं। तो बस अभी बहुत सारी बातें हो गई, काम शुरू करूँगी। कीमा मैंने बनने के लिए रख दिया है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। कीमा मैं सिंपल सा बना रही हूँ, बस प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डाल के मैंने कीमा रख दिया है, वो मैं खुशो बनाऊँगी क्योंकि आसमी जी को कीमे वाली कढ़ी खानी है, तो वो कीमे में डाल के अपनी कढ़ी खाएंगे, मैं सारी कढ़ी में कीमा नहीं मिलाऊँगी। तो चलो जी जल्दी से प्याज वगैरह काट लेते हैं। जी तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम कर रहे हैं, कीमे को चढ़ा रही हूँ मैं। तो मैं कीमा बहुत सिंपल सा बना रही हूँ, बस टमाटर प्याज लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट, टमाटर प्याज काट के कीमे में ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर जाएंगे सूखे मसाले, मिर्च, नमक, धनिया, हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल दिया। इसको बेसिकली गाँव वाला बोलते हैं, हमारे गाँव में इसको सौंध के चढ़ाना बोलते हैं, यूपी साइड में इस तरीके से बनता है। और इसमें ही कच्चा मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, बस अब इसको कुकर का ढक्कन चढ़ा के
हम रख देंगे, क्योंकि आसिफ जी का मन था कीमा कड़ी खाने का, तो कड़ी मैं बना चुकी हूँ, बारी थी कीमा बनाने की। उसके बाद मुझे अफ्तियारी की तैयारी भी करनी है जल्दी से, तो अब कीमा बन रहा है वहाँ पर। एक सीटी के बाद मैंने स्लो कर दिया था। यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज, क्योंकि मुझे प्याज के और आलू के पकौड़े बनाने हैं, भजिए जो होते हैं वो बनाने, उसके लिए मैंने 4-5 प्याज काट लूँगी। उसके बाद आलू काट के इन सबको मिक्स करके अच्छे से भजिए बना लूँगी, बेसन और सारा सूखा मसाला ऐड करके। अफू चुप हो जा बेटा। तो बस मैं जल्दी जल्दी सारे प्याज काट लेती हूँ, और कीमा कड़ी जो होती है वो बनती बहुत यम्मी है। मैंने तो कड़ी के अंदर पकौड़े डाले थे, बट आसिफ जी के लिए जो मैंने कड़ी निकाली थी उसके अंदर बस मैंने एक ही पकौड़ा डाला था, उनको कड़ी में कीमा ज़्यादा पसंद है। तो भुन के बस बहुत ही जैसे सूखा सूखा हरी मिर्चों वाला कीमा होता है, सेम ऐसे ही था। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला मैंने अलग से कुछ बनाया नहीं था, ऐसे ही बस जल्दीबाजी में बना दिया था। यहाँ पर मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ पकौड़े बनाने की, तो थोड़े पकौड़े मैं जो है वो कड़ी में ऐड कर दूंगी और बाकी मैं अफ्तियारी में रख लूंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज और आलू काट लिया है, इसके ऊपर मैंने सूखा कड़ी पत्ता था, मैं उसको सुखा के अपने पास रख लेती हूँ, हमेशा काफ़ी महीनों तक चलता है ये, 6 महीने आराम से आपका कहीं नहीं जाता। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चें, मैं थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं तीखा कम खाती हूँ और बच्चे भी बहुत कम मिर्चें खाते हैं इस वजह से। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, उसके बाद इसमें शामिल करूंगी मैं नमक और थोड़ा सा अमचूर, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर मिला के बस सिंपल से जो पकोड़े होते हैं आलू प्याज के वो बस बना रही हूँ। ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा मैं तामझाम नहीं करने वाली। यहाँ पर मेरा जा रहा है इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर। और भाई अब तो लॉकडाउन ही लॉकडाउन है, आज से बताओ 1 हफ्ते के लिए फिर से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग गया है। बस अल्लाह से दुआ करिए ये बवाल जो है ना चला जाए कोरोना वायरस का, मुझे तो ना इरिटेशन हो रही है कोरोना कोरोना सुन सुनकर। यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है और बस अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करूँगी। आप लोग चाहो तो इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आता है। मैं बट आज कसूरी मेथी ऐड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने कड़ी पत्ता काफ़ी अच्छे क्वान्टिटी में ऐड करा था, तो मैं हरा धनिया ऐड करूंगी बस। और ये थोड़ा सा छोटा है अभी मेरा बाउल जो है, मैं इसको फिर बड़ी परात में कर लूंगी, तो जब बेसन ऐड करने की बारी आएगी ना, तो बेसन के अंदर मैंने एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया था क्योंकि आलू अपना पानी खुद ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच बेसन इसके अंदर ऐड कर लूंगी और देख लूंगी बाइंडिंग अच्छी हो रही है तो ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि कम बाइंडिंग है तो मैं इसमें 1-2 चम्मच बेसन और ऐड कर। तो जी अभी आए हैं आसिफ जी मार्केट से, और मार्केट से लेकर आए हैं कुछ सामान मैंने मंगवाया था। बनानास हैं और ये बंद है, और ये फैनी है ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो मंगवाई थी। और आज आसिफ जी की भी तबीयत कोई सही नहीं है, पता नहीं उनको भी क्या हो रहा है। और ये वाले बंद जो होते हैं ना वो इनको बहुत पसंद है, ये वाले ये इनके फेवरेट है, दूध के साथ ये बहुत अच्छे से खाते हैं, मुझे नहीं पसंद। फैनी भी वही खाते हैं, मेरे को नहीं पसंद है। मेरे को
जो पसंद है वो मैं खा लेती हूँ, ज़्यादा चीज़ों में मैं उलझती नहीं हूँ। तो ये सब सामान एडजस्ट करूँगी। यहाँ पर मैंने मैंगो शेक के लिए लिया है 2 मैंगोज़, उसके अंदर डाली है फिलहाल तो अभी बर्फ, इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी शुगर और दूध और फिर हमारा मैंगो शेक बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे मैंगो, इसकी कुछली जो होती होगी वो हम खाएंगे। अच्छा जी, और ये बर्फ, बर्फ इसके अंदर डाल देंगे, ये हम ऐड कर देंगे थोड़ा मिल्क। ठीक है, तो चलो जी चलते हैं अपना मैंगो शेक बनाने के लिए। मेरा यहाँ का वाला जो वो था ना वो खराब हो गया, दूध भी फिनिश हो गया है, दूध बॉइल करना है। चलो चलते। तो जी हमारा अफ्तार तैयार हो चुका है और अब बारी है बस अब रोज़ा खोलेंगे। दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबको हिम्मत और ताकत दे रोज़ा रखने की। और गाइस मुझे थोड़ी सी दुआ आती है, तो जो हमारे टीचर है ना उन्होंने कराई थी हमें थोड़ी सी दुआ। ये देखो हमारा अफ्तार, ये है हमारा अफ्तारी का दस्तरखान, ये है पापड़ कचड़ी, ये है और मैंगो शेक भी बन चुका है। तो मैंने आसिफ जी जो है ना वो एकदम से ठंडा नहीं पीते हैं, वो आधा घंटे का वेट करते हैं उसके बाद लेते हैं। या अल्लाह, आ जाओ जी, दुआ करवाओ पापा। हाँ जी, दुआ करवाओ, मैं कराओ, दुआ कराओ। चलो बैठ जाओ, आप भी बैठो पापा। चलो आओ सब बच्चे बैठो, दुआ होगी, इनायत अब दुआ कराएंगे। आओ पापा आओ, इन्हें दरवाजा अबू मिला दो, दरवाजा अबू दरवाजा बंद करके आओ। हाँ जी, अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह हम बहुत सियाकार हैं, अल्लाह हम तो गुनाहों के दलदल में फंस चुके हैं, अपनी रहमत की रस्सी डाल के हमें निकाल दे। या अल्लाह हम तो बहुत गुनाहगार हैं, या अल्लाह हम तो बहुत सियाकार हैं, अल्लाह आप तो हमें हर चीज से तो, लेकिन अब जो भी अब हम आपके बच्चों ने काम पाप करा उसमें जबरदस्त की जरूर गलती उसकी माफ पता पहुँचाना। आमीन। अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे कि हम आप रोजे शरीफ के रोजे रख सके। आमीन। जाकिर भाई ने नया तरीका पापा खाए ना क्या चले वाओ, सारा खराब हो जाएगा, अब मत कर देना। चलो जी मिलते हैं रोज़ा खाने के बाद। अच्छा जी, तो जी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 11 और अब हमारा हो चुका है, मेरा तो नहीं बच्चों का और पापा का डिनर हो गया है, बच्चों के पापा का और ये मुझे पटा रही हैं, मना रही हैं। अभी इन्होंने मेरे लिए कुछ बोला है कि आप रोज़े ना रखें, क्योंकि अगर आप रोज़े नहीं रखोगे ना तो फिर हमें सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच सब मिलेगा और मैं इनसे नाराज़ होगी, जबकि मेरी ड्यूटी होती है सुबह उठ के, इनको जैसा इनका रूटीन है वो रूटीन पूरा करती हूँ मैं,
और फिर भी बच्चे कुछ ना कुछ कुछ होंगे बोलते ही रहते हैं। थोड़ा सा मम्मा चिज्जी मंगवा देती है। चिज्जी मंगवा के तो दे दूँ यार, इतने रोज़े में हम इतना तो करते हैं। तो अब गाइस आप भी मम्मा को बोलिए। चलो हटो, हमें जरा, अरे हटो बेटा। अच्छा जी, तो हमारा अब होने जा रहा है वीडियो का एंड, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं लेट के थोड़ी सी बात करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो रही है। और कड़ी चावल बनाए थे मैंने, कीमा भी बना लिया था। कीमा की शक्ल नहीं दिखाई मैंने आपको, सॉरी माफ़ कर देना कीमे का अगर शक्ल नहीं दिखाई हो तो। आसिफ जी से मिलवा देती हूँ आज आपको, क्योंकि सब लोग, आप लोग बहुत दुआ कर रहे थे और बहुत कह रहे थे कि भाई जी से बताना और कैसे हैं भाई जी। तो चलिए भाई जी से बातचीत कर लेते हैं। भाई जी बाबा, भाई जी आओ। तो जी देख सकते हैं आप अपने भाई जी को। और सॉरी, कैसे हो आप सब लोग? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, थोड़ी सी चोटें लगी हुई है, बाकी वैसे ठीक है। नहीं, पैर में भी आई है, घुटने में भी आई, खरोचे काफ़ी है, और फिर अब जो है ना घुम चोट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। जी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी दुआएं करी, इतना अपना फन किया मिला से, और अल्लाह करे आप सबकी भी सारी दुआएं पूरी हो और सबके रोज़े बहुत अच्छे से जाए। हमारे हक में और दुआ करना, सबके हक में भी करना, और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने घरों में खुश रहना। और हमारे यहाँ तो दो दिन का लॉकडाउन था, अभी सैटरडे संडे का, आज संडे है आज, अब पता नहीं कितने दिन का और होता है। प्लीज़ सब लोग दुआ करो कि प्लीज़ ये कोरोना वायरस चला जाए। मैं तो ना सर दर्द हो गया है और बस डर लग रहा है अब तो ना इस कोरोना वायरस से। तो बस यही तक था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। तो बस नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। पापा की तरफ से भी बाय बाय। आपको अल्लाह हाफिज़ कर दो। हाय हाफिज़। पापा अभी कर दो हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।